बाबा जी साहब बताइए, आज सुनने में आया कि आपने अकबरी मस्जिद में जुमा के वक्त से पहले एक बयान जारी करा था, क्या वजह थी उस बयान की? तो उसी वक्त आपने जारी करा। आप बखूबी वाकफियत हैं कि पूरे मुल्क के अंदर एक ऐसा माहौल है, एक ऐसा तनाव का माहौल है जिसको ज़रूरी था कि क्योंकि दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि गैर मुंतकिल हिंदुस्तान का मरकज़ है और यहाँ से जिस पैगाम को दिया जाता है उस पैगाम पे पूरे हिंदुस्तानी नहीं बल्कि बरसग़ीर के तमाम लोग अमल पैरा होते हैं। ज़रूरी था कि इस जगह से अमन के और मोहब्बत के उस पैगाम को जो गरीब नवाज ने शिक्षा दी, जो तालीम दी, उस पैगाम को जन जन तक पहुँचाया जाए। आज उसी के ताल्लुक से आज अकबरी मस्जिद के अंदर जो है वो जुमे से पहले तमाम लोगों को जो ज़ायरीन आए थे नमाज में हज़ारों की तादाद के अंदर उनको पैगाम दिया गया कि जो इस्लाम के नाम के ऊपर जिस तरीके से उदयपुर के अंदर जो बर्बरियत का या जो इनह्यूमन गैर इंसानी और जो एक ऐसा काम किया गया जिससे पूरी इंसानियत शर्मसार हुई, ऐसी चीज़ को दरगाह कमेटी और तमाम लोग वो जो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अपने आप को ग़ुलाम कहते हैं वो कंडम करते हैं और वो नासमझी में जज्बात में ऐसे किए हुए किसी भी कृत्य को घिनौना करार देते हैं और कानून की रोशनी में ऐसे लोगों को जो भी सज़ा दी जाए उस सज़ा के लिए जो है वो हुकूमत से गुहार भी लगाते हैं। इसके साथ साथ हमारी मुअद्दबाना गुजारिश है कि मुल्क के माहौल को बेहतर रखने के लिए हुकूमत, सूबाई हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत को इंश्योर करना होगा कि कोई भी शख्स मज़हब, मिल्लत, बरादरी, कास्ट, क्रीड, रिलीजन से ऊपर उठ के किसी की आस्थाओं को आहत न करे सोशल मीडिया के माध्यम से या ई चैनल के माध्यम से जिससे मुल्क का माहौल ख़राब हो। गरीब नवाज की तालीमात यही है कि लोग जो हैं वो लोगों के दर्द को हरा जाए, इंसान के मज़हब व मिल्लत को नहीं देखा जाए। उसी तालीमात को जो है वो आज कोशिश की गई कि लोगों तक पैगाम पहुंचाया जाए जिससे लोग मोहब्बत के साथ इस मुल्क में एक साथ जैसे पहले रहते थे रह सकें। आज आपकी सालाना बजट मीटिंग भी हुई है, उस मीटिंग में बहुत सी बातें होती है हर बार लेकिन फाइलों तक ही रहती है, लेकिन आज एक सुनने में आया है कि एजुकेशन को लेकर और डिग्री को लेकर एक वार्तालाप हुई थी, वो क्या मामला था? मैं गुज़िश्ता 4 सालों में बहुत कोशिश की गई, 2 साल कोरोना में निकलने की वजह से बहुत से काम नहीं हो सके। दरगाह कमेटी का वेलफेयर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो चाहती है कि बहुत से काम करे। दरगाह कमेटी ने आज उस लाइन पे कोशिश की है कि जो लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के ज़रिए जर्नलिज्म का कोर्स किया कराया जाता है और जिसमें मदरसे से जो लोग मॉडर्न एजुकेशन की तरफ या जर्नलिज्म की तरफ जो लोग आना चाहते हैं उसके लिए एक रास्ता खुला हुआ है, लेकिन माशी मसाइल के नज़रिए से वो अपने उस कोर्स में दाखिला नहीं ले पाते। आज दरगाह कमेटी ने उन लोगों को जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इस बात के लिए रिजोल्यूशन पास किया कि वो लोग जो एडमिशन लेना चाहते हैं और वसाइल नहीं हो उनको दरगाह कमेटी वसाइल देगी जिससे वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो जर्नलिज्म में कर सकें। सर आप बताइए इसकी आखिरी तारीख क्या रहेगी और कितनी सीटें इसके अंदर रिजर्व है? इसमें गवर्नमेंट की तरफ से 25 सीटें हैं और शायद इसकी IIMC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन की लोग साइट पर जाएंगे तो वो पाएंगे शायद 10 जुलाई उसकी लास्ट डेट है, तो जो लोग फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं उस फॉर्मेलिटी को पूरी करेंगे और जिन लोगों के पास वसाइल नहीं होंगे और उनको कोशिश करेगी दरगाह कमेटी कि उनको वसाइल दे जिससे वो अपने इस कोर्स को कम्प्लीट कर सकें। इस तरीके से दरगाह कमेटी उनको सपोर्ट करेगी सालाना पे पैकेज में या उनकी दरगाह कमेटी की तरफ से सिर्फ उनकी जो फीस है सालाना उस फीस पे कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा जिस चीज़ की ज़रूरत होगी उसके हिसाब से उसको मुहैया कराया जाएगा। आपका नाम और पद बताइए। सैयद बाबर अशरफ, मेंबर दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी।